हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान नजीब, मेरे साथ है फवाद आलम और बिलाल अशरफ एंड वी आर हियर विद जुबली मैच एनालिसिस। फवाद, क्वाइट एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई थिंक सबको यही था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत आराम से जीतेगा। ऐसा नहीं होता क्रिकेट में कि आपके एक्सपेक्ट कर सकें कि यार ये ऐसे ही होगा कि मैच क्वेटा हार जाएगा लेकिन हाँ, उनकी परफॉर्मेंस इस पूरे PSL में ऐसी रही है तो सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन ये था कि इस्लामाबाद स्ट्रॉन्ग साइड थी, लेकिन क्वेटा बहुत अच्छा खेला और आखिरी मैच तक जो है ये मैच गया। और ये था कि जीत सकता था, ये मैच भी जीत सकता था। जिस तरह शुरुआत हुई, अर्ली विकेट्स गिरी, उसके बाद जो है उन्होंने अच्छा फाइट बैक किया, टोटल अच्छा किया। नवाज़ की अच्छी इनिंग थी और जो आज पहला मैच खेले थे नजीब, अफगानिस्तान के प्लेयर, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। उमर अकमल जो उन्होंने जो आके पावर हिटिंग की है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। सो ओवरऑल बैटिंग में अच्छा किया, बॉलिंग स्टिल वो वैसे ही कर रही है क्वेटा और रन्स बचा नहीं पा रही। बिलाल, आपसे ज़रूर बात करेंगे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच था, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस टीम की परफॉर्मेंस को? अवल फैजान, जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वैसे ही देख रहा हूँ बिकॉज द परफॉर्मेंस एक्चुअली ऑनेस्टली एंड दिस इज नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मी सपोर्टिंग क्वेटा, बट इट्स कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जनरली अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इररिस्पेक्टिव। अगर ये कोई और टीम इस तरह खेल रही होती तो आई थिंक प्रीटी मच आई वुड हैव सेड द सेम थिंग। बिकॉज देखे ना, अब जैसे आपने बोला खुद कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब कि क्वेटा को इतना प्री कंसीव्ड सबने सोच लिया कि यार इस टीम में तो हार नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई सॉलिड चीज़ की नहीं। अगर आप देखें कि अपना छठा या सातवां मैच वो खेलने के बावजूद भी चेंजेस ही चेंजेस करते जा रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच जस्ट शोज़, जैसे फवाद कहते हैं कि भाई जब कोई भी क्रिकेट में चीज़ चल रही होती है तो सब आप अप्रिशिएट करते हैं, जब नहीं चल रही होती तो नहीं चल रही होती। एंड आई थिंक क्वेटा इज़ एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट, नॉट आई वुड से फ्रॉम दिस PSL बट फॉर द लास्ट 3 to 4 PSL। सो क्लियरली द इशू इज़ बिगर देन यू नो जस्ट अ कपल ऑफ प्लेयर्स हियर और देयर। आज आपने देखा कि एकदम से उमर अकमल आया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। अगर उनको शुरू से टीम में रखते या जैसे गप्टिल आज बैठे रहे, बिकॉज ओपनिंग मिली नहीं क्वेटा को, 3 आउट हो गए उनके, बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बल्कि 4 आउट हो गए थे, 7 ओवर तक तो कोई रन भी नहीं थे। तो अगर कुछ रन किए होते टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने तो नीचे आके अगर वो कंट्रीब्यूट करते तो यही टोटल थोड़ा और डिफरेंट होता और मैच का आउटकम भी डिफरेंट होता। सो ऑफकोर्स अगर आप देखें कि जितनी भी टीम्स हैं PSL में, देर कीप ऑन गेटिंग मोर एंड मोर कम्पिटिटिव, बेटर बैटिंग, एंड ऑफकोर्स दिस इज समथिंग दैट आई फील दैट दे नीड टू री वैल्यूएट एवरीथिंग। बिकॉज क्वेटा का अब वो हाल हो रहा है जो शुरू में एक टाइम पे लाहौर का होता था। तो लाहौर ने क्या किया कि वो एक उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग उनको इम्प्लीमेंट किया, नए प्लेयर्स को लेके आए, उनको बैक करते रहे। और आज देखें तो वही यंगस्टर्स जितने भी हैं वो कुछ पाकिस्तान टीम में, कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी जो है लाहौर के लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे प्लेइंग एज अ यूनिट। सो आई फील दैट क्वेटा रियली हैज़ टू शेक अप एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड अप एंड कम अप विद समथिंग न्यू नेक्स्ट ईयर। यस डेफिनेटली, वो तो बात चलेगी, बट लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। फवाद, जिस तरीके का ओपनिंग स्पेल कराया है फजल हक फारूकी ने, आई थिंक तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। देखें वही बात, बिलाल भाई की बात को आगे लेके चलूंगा, जहाँ से उन्होंने बताया कि सब चीज़ें जब चेंजिंग कर रहे होते तो ऐसा लगता है हाँ जी बड़ा बहुत अच्छा हो रहा है, अप्रिशिएट करते थे, जब नहीं होता। अगर आप क्वेटा को देख लें, आज सरफराज आए ऊपर, बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ही चेंज था, टोटली बिल्कुल चेंज था, लेकिन वो भी फिर बैकफायर हो गया उनको। अगर आप इस्लामाबाद की टीम को देखें, उन्होंने लास्ट मैच में भी अगर आपने देखा, फहीम अशरफ को ऊपर भेजा था, ठीक है, शदाब नीचे आए थे, आज देखे शदाब ऊपर आए, फहीम अशरफ नीचे गए, ठीक है। और फिर उससे पहले आज़म खान इन फॉर्म बैट्समैन हैं, उससे पहले उन्होंने एक अमेजिंग प्लेयर मुबस्सिर को भेजा। तो अभी क्या है कि उन पर कुछ नहीं बात हो पा रही क्योंकि वो मैच जीत रहे हैं। हालांकि वो डिसीजन मुझे ऐसा लगता है कि टू अर्ली था, जिसकी वजह से ये मैच आखिरी ओवर तक गया। अगर आज़म खान की विकेट गिर जाती 4 ओवर पहले तो इस्लामाबाद का ये मैच का रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था। जहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा था कि हम खुद बात कर रहे थे कि यार अगर इधर आज़म की विकेट गिर गई तो क्वेटा मैच जीत जाएगा। तो यही बात होती है कि जब आप चेंजेस करते हो तो आपको ये बैकफायर भी होता है। क्वेटा के साथ ऐसा हो रहा है कि पूरे टूर्नामेंट में ऐसी रही है वो कि वो कुछ भी कर रहे हैं उनको उल्टा ही पड़ रहा है। तो उमर अकमल को शुरू में चांस दिया, उन्होंने नहीं परफॉर्म किया बिल्कुल, लेकिन उमर अकमल उस टाइम वो खुद कहते हैं कि मुझे ऊपर बैटिंग कराओ, ठीक है। आज उनकी बैटिंग उन्होंने मुझे लगता है सिर्फ खिलाना था
और उमर ने भी ये सोचा कि हाँ भी मैं पहले मैच खेल लूँ, तो आज वो मैच भी खेले तो उनको सातवें आठवें नंबर पर भेजा। उनका जो मेरे ख्याल से जो किरदार है ना वो उनका वही होना चाहिए। आई थिंक उनको वही 4-5 ओवर मिले तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। और जहाँ तक आपने फारूक की बात की, खब्बे जो जितने भी फास्ट बॉलर हैं और जिनका बॉल स्पेशली अंदर आता है राइट हैंड को, तो उनके लिए जो है प्रॉब्लम हो रही है। वो आते के साथ आप देख लें, चाहे बाबर आजम खेल रहा हो, चाहे हारिस खेल रहा हो, चाहे स्मिथ खेल रहा हो, कोई भी बैट्समैन ले लें, उनको अंदर आते हुए बॉल पर प्रॉब्लम हो रही है। और आते के साथ लेग भी फोर या जो है वो बोल्ड हो रहे हैं। आमिर को देख लें, आमिर ने इसी तरह किया, रुमान रईस ने ऐसे ही किया, आज फारूकी थे उन्होंने ऐसे किया, जितने भी खब्बे फास्ट बॉलर हैं उनके लिए तो ये PSL बहुत अच्छा जा रहा है। बिलाल आगे किस तरीके से देख रहे हैं, टॉप फोर तो अब तय दिख रहा है कि ये टॉप फोर बन चुका है, आपकी अब टूर्नामेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? वेल आई थिंक फैजान, अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली जो टॉप की टू टीम्स हैं वो टॉप टू पे ही हैं कंसिस्टेंटली, चाहे वो हारें एक दूसरे से जीतें किसी से, वो मुल्तान और मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक बात इस्लामाबाद की है, ऑफकोर्स इस्लामाबाद की बहुत अच्छी टीम है, बट हर टीम शुरू से जिस अपने पोटेंशियल पे खेल रही है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ अभी तक तो हुई नहीं कि नीचे से छठे नंबर या पाँचवें नंबर से कोई टीम नंबर वन या टू पे आ गई हो। बिकॉज वो जो दो तीन टॉप की टीमें हैं वो कंसिस्टेंटली बड़ा डोमिनेट करके खेल रही हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि फोर्थ पोजीशन पे थोड़ी फाइट हो सकती है बिटवीन द रिमेनिंग टीम्स, बट उसमें भी अगर आप देखें तो वो एक ही स्पॉट बचता है प्रिटी मच। आपको एक रफ आइडिया है अनटिल समथिंग, आई मीन क्रिकेट की गेम में कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग रियली लाइक आई सेड आउट ऑफ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीड्स टू हैपन फॉर दैट टू हैपन, बिकॉज लाहौर इज क्वालिफाइड, मुल्तान इज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल, इस्लामाबाद जो है कंसिस्टेंटली दे प्लेइंग वेरी वेल, एंड बाकी जो रह जाती है गेम वो कराची भी नहीं सही तरह मतलब जीत पा रहा, और पेशावर जन्मी ही है जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंसिस्टेंटली इसी तरह चलता रहा PSL, बिकॉज अब हम वो एक लास्ट लेग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो रहे हैं, तो 3 से 4 मैचेस हर टीम के बचे हैं, तो ये डू और डाई सिचुएशन हो गई सबके लिए, और जो अच्छी टीम है वो और अच्छा खेलती जा रही है। So it's going to be a tight spot. It's not going to be a walk in the park, and let's see what happens. But for now, I just feel it that the last spot, काफी obvious हम सबको लग रहा है कि वो कौन सी टीम पहुंचेगी so far. फवाद जलमी लग रही है चौथे स्पॉट की। ये अगर अभी देखा जाए तो जलमी लग रही है, लेकिन अगर जलमी मैच हारती गई आगे तो चांसेस ये जो नीचे वाली टीम है स्पेशली कराची किंग्स के लिए फिर भी ये है कि 2 मैच अभी उनके बाकी हैं, अगर तो वो भी करें तो 8 पॉइंट हो सकते हैं। बट ये है कि टॉप फोर हमें मिल चुकी हैं, लेकिन बस वो कहना है कि नहीं ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, जो कि नहीं हो रहा और ना ही होगा मुझे लग रहा है आगे। बिलाल अब है क्वेटा वर्सेस कराची, दोनों ही टेबल के बॉटम पर रही हैं और टूर्नामेंट में कुछ उसी तरीके की परफॉर्मेंसेज रही हैं, किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? मैं इसको पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दूं या सच बोलूं? आप पहले पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करें, जो आप नहीं हो पाएंगे तो आप सच ही बोल दें। आई थिंक अभी तो यही लग रहा है कि नंबर 6 के स्पॉट के लिए कौन कम्पीट कर रहा है। 5 के लिए बिलाल भाई। नहीं, 5 के लिए नहीं कर रहा, 6 के लिए कर रहे हैं ये लोग, 5 के लिए नहीं कर रहे। आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स माय आंसर। बाद आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? खैर जी, इसमें यही है कि देखिए दोनों टीमें जो है नीचे लगी हुई हैं फिलहाल, अगर देखा जाए तो दोनों टीमें ही अंडर प्रेशर हैं, और वो चाहेंगे कि दोनों टीमें कोई तो मैच जीते ताकि थोड़ा सा प्रेशर उनसे जो है हटे। अगर स्मिथ की अगर आज हमने मैं इंटरव्यू देखा था उनका, कि उनसे जब बात हुई थी तो वो ये कहते कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, प्रेशर हमारे पे ऑफ है, हम बस कोशिश करेंगे कि आएँ और अच्छी क्रिकेट खेलें, लेकिन बेचारे रह गए फिर 0 पे आउट हो गए। तो इस तरह कराची भी कल यही कहेगा कि उनके ऊपर कोई प्रेशर, दोनों टीमें ऐसी हैं कल जो खेलेंगी उनके ऊपर प्रेशर कुछ नहीं होना है, तो वो बस जो भी अच्छा उस टाइम ऑन डे जो अच्छा खेलेगा वो मैच जीतेगा और थोड़ी सी उसकी इज्जत बच जाएगी। यस, दे हैव नथिंग टू लूज, बट 2 पॉइंट्स आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते। आज के जुबली मैच एनालिसिस में इतना ही, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।